दे सेवन फोल्ड वेल। लास्ट टाइम हमने बताया था कि कबीर जी का दोहा लेके, घूंघट के पटक खोल तुझे राम मिलेगा। घूंघट मतलब जो औरतें पहनती ना घूंघट, वो इसमें हमने ये देखा कि बाबा ये समझा रहे कि ये सात पर्दे क्या होते हैं, किसके द्वारा समझा रहे, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना इनवर जर्नी मोक्ष मार्ग, उसमें कितने पर्दे हैं, वो कैसे उठाना है, इसके बारे में वो डिटेल बता रहे हैं। तो आगे में बाबा ये कहते हैं उसको समझाते हुए, डिटेल आपने बाद में आएंगे, कि अपनी जितनी भी नीच या तुच्छ इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखना कोई मामूली बात नहीं है, इज वेरी डिफिकल्ट, और सही में डिफिकल्ट है। हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ सब कुछ कर सकते हैं, पर अपनी इच्छाओं के ऊपर में नियंत्रण रखना इज वेरी डिफिकल्ट है, कोई मामूली बात नहीं बाबा कहते। पर ये सभी इच्छाएं जितनी भी अपनी हैं उनको लास्टिंग सब्लिमेशन, ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, कि स्थिर उदात्तता का प्राप्त करना एक महान कार्य है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है पर ये महान कार्य है। अपनी सभी इच्छाओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दैवी प्रेम जो है वही कर सकता है, डिवाइन लव, जो बाबा समझा रहे और सही बात है। वो उसको नष्ट करने के लिए हम चिंतन मनन ये वो सब 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 कुछ करते हैं, ठीक है आप अपने परे से लोग करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पर इनको लास्टिंग सब्लिमेशन जो वर्ड उन्होंने यूज किया है उसके लिए दैवी प्रेम ही है। और यह दैवी प्रेम जो है, इस दैवी प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, हाँ? कोई दिखावा नहीं है। अगर कोई साधु संत ऋषि मुनि महाराज तपस्या ये वो करते हैं तो उनको कुछ शक्ति प्राप्त हो जाती है, कोई हवा में उड़ते हैं, कोई कुछ होता है, और वो दिखावा भी करते हैं, बराबर है कि नहीं। कोई महाराज रहता है तो वो से डोलने लगते हैं, ये करने लगते हैं, और इसके ऊपर में भी कबीर जी ने दोहे लिखे हुए हैं। सब कुछ दिखावा हो सकता है पर दैवी प्रेम का दिखावा नहीं हो सकता, ये बाबा अगर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दैवी प्रेम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जलना और जलना, बर्निंग एंड बर्निंग, बर्निंग ऑफ व्हाट, बर्निंग ऑफ आवर डिजायर्स, डिजायर्स जाएंगे तो संस्कार भी जाएंगे, बर्निंग ऑफ डिजायर्स, और वो भी, वो बर्निंग कैसे होना चाहिए, बर्निंग डिजायर में धुआं नहीं निकलना चाहिए उसमें से, इस प्रकार का बर्निंग। और किसी भी समय अपने प्रेम दिखावा के लिए करना यह परमात्मा का अपमान है। और वही हम लोग देखते हैं, अपने को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, और अपने को क्या करना है, वो उनका वो करते रहेंगे, पर कम से कम अपने लिए तो भी, जहाँ दिखावा हो गया ना परमात्मा के लिए, हम इतना प्रेम करते ये करते वो करते, तो बाबा बोलते वो कार्य जो है ना वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और सही में है, यस ही इज राइट। पर किस लिए दिखावा करने का, कि लोगों को मालूम पड़ेगा, इसलिए बाबा बोलते एक तो तुम भ्रम के अंदर में हो, ये सारा विश्व मैं तुमको बार बार बताता हूँ ये भ्रम है, और इसके अंदर में फिर तुमको दिखावा करने का जिक्र होता है, और किसी ने तुमको मान भी लिया कि तुम अच्छे हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारी अपनी प्रगति तो होने वाली नहीं है, क्या होने वाली है, नहीं होने वाली है, फिर काय के लिए करते हो। और इसीलिए यह बाह्य दिखावा जो है, यह बाह्य किसी अवसर पर दैवी प्रेम का बाह्य प्रकाशन शूरतापूर्वक हो सकता है। और इसके लिए कबीर जी कहते हैं कि कभी कभी ध्यान करते टाइम कोई भी प्रकार का दिखावा आप लोग ना करो, क्योंकि मस्तक की कंडीशन में आप झूलते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर लोग आते हैं, फिर तुमको पैर पड़ते हैं, फिर तुम्हारे गले में हाथ डालते हैं कि वो नाच रहा है, ये वो सब कर रहा है,
फिर बोलते हैं कि इसको इसके शरीर में परमात्मा आ गया और बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये झूमना ये जितना भी है कि चाहे वो तुमको आनंद भी देता हो झूमना, चाहे तुमको किसी को भी आनंद मिलता है, पर इसके बावजूद भी तुम अपने तृप्ति के लिए ये सब भी अगर करते हो तो भी इसको बंद करो, क्यों कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बार बार इसीलिए वो बार बार बता रहे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने जीवन में जब भी जीते हैं, जीवन अपना जीते हैं, तो हमको ड्रीम पड़ता है, स्वप्न पड़ता है, तो वो स्वप्न जो है वो तो झूठ होता है। पर वो स्वप्न के अंदर में अगर मेहर बाबा आ गए और उन्होंने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ, तो हम सब लोग उनके ऊपर हंसते हैं। कोई भी सदगुरु आ गए और उन्होंने कहा कि मैं सदगुरु हूँ ये हूँ, तो हम हंसते हैं। पर जब वो नींद से हम बाहर आते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि वो स्वप्न था और वो झूठ था, है ना। उसी प्रकार से बाबा ये कहते हैं कि जब भी आप इस आध्यात्मिक मार्ग में जाते हो, मोक्ष मार्ग 1, 2, 3, 4, 5 ये जब भी तुम यहाँ जाते हो, तभी तुमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये जो है जीवात्मा, जो मानव जो है जो धरती में स्थूल जगत में रहता है, वह जो मैंने अनुभव किया था, जो अनुभव किया था, वो भी एक सपना था। इसका अनुभव जब आप परमात्मा के तरफ में बढ़ते हो आगे आगे, और जब सातवीं भूमिका में जब तुम जाते हो, तो जैसे यहाँ पे अगर चौथी भूमिका में गए तो तुमको ये लगेगा कि ये स्थूल जगत का जो है वो सपना है, पर आप सातवीं में गए तो आपको ये लगेगा कि ये भी झूठ है और ये भी झूठ है, दोनों झूठ है। ऐसे वो समझा रहे, और बात तो सही है। यहाँ पे जो जाता है पहली दूसरी तीसरी जो भी जाते हैं, उनको ये लगता है कि जहाँ पे मैं आया हूँ वो सच है, उसको लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया। पहली प्लेन पे गया तो परमात्मा मिल गया, उसको ऐसा लगता है, मतलब वो सोचता है, दूसरी वाला भी सोचता है। पर सद्गुरु की कृपा से उनको धीरे 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 उनको आगे बताते हैं, स्वप्न की तुलना में भौतिक जीवन जो है वह अपने को सत्य लगता है। जो मैंने अभी डिटेल बताया उसका डिटेल क्या था, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर में अगर हम जाते हैं उसकी तुलना करते हैं तो भौतिक जीवन जो है वो हमको स्वप्न लगता है। अगर हम यहाँ गए तो हमको लगता है नहीं, ये भौतिक जीवन जो है वो स्वप्न है, क्योंकि भौतिक जीवन के अंदर में हम मटेरियल के साथ में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाते तो हम वो प्राण शक्ति के साथ में खेल रहे हैं, मतलब चमत्कार कर रहे, सब कुछ कर रहे, जो भी करने का है, हवा में उड़ रहे, कुछ अनेक अनेक प्रकार करते रहते हैं। और इसीलिए इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग जो है वह भी मायावी है, सत्यता की, और वह हमको सत्यता की ओर लेके जा रहा है, देयर इज नो डाउट। परंतु ये जो है स्थूल जगत में भी भ्रम है, यहाँ पे भी भ्रम है, और इसीलिए ये आध्यात्मिक मार्ग को रियल माया तुम कह सकते हो। हाँ, ये माया ही, ये फॉल्स माया है स्थूल जगत की, और ये मोक्ष मार्ग के अंदर में जो है वो रियल माया है, पर है दोनों ही माया। जब भी यहाँ से सातवीं भूमिका में जाते तो वो फॉल्स माया भी जाती है और रियल माया भी निकल जाती है। तभी वो जो ब्रह्मीभूत है या जो दूसरे जो एडवांस सोल जो है उनको ये ज्ञान होता है कि यस दोनों ही झूठ है। अगर हमको किसी ने बोला ये झूठ है तो हम बोलेंगे कैसे झूठ है, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, सारा ब्रह्मांड बैठा हुआ है और आप में झूठ बोलते हो, तो लोग हंसते हैं, हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, हम लोग भी हंसते थे। और इसी प्रकार से, पर दोनों भी भ्रमजाल है, दोनों भी इल्यूजन है, केवल ईश्वर ही एकमेव सत्य है। ये हमने हजारों करोड़ों साल से हम ये सुन रहे हैं, ईश्वर ही सत्य है,
ये सब लोग बोलते हैं साधु संत ऋषि मुनि महाराज इसके ऊपर में कितने किताबें ये सब लिखी गई है कि क्या है, ईश्वर ही एकमेव सत्य है। हमने कई बार सुना पर हमने उसके ऊपर में कभी सोचा नहीं, ना हमको किसी ने भी बताया। पर मालूम अपने को सब सब कुछ है, पर या तो हमारी तरफ से कोई गलती हो जाती कि हम उसको ढूंढते नहीं हैं, उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये बोल तो रहे हैं पर ये उसका रीज़न क्या है वो नहीं बोलते। तो ये गॉड स्पीक्स हमको बताता है कि रीज़न ये है सब। आगे चलते हैं और इसीलिए यह ईश्वर को साकार रूप में उसके, फिर बाबा ने जो दूसरा टॉपिक लिया कि हर आदमी हर सोल हर आत्मा की यह इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि परमात्मा को देखे इंटरनली। इंटरनली अभी अपने को मालूम नहीं हुआ था लगे, पर ईश्वर को देखने और साकार रूप में उससे एकरूप होने की, साकार रूप में उससे एकरूप होने की मानव में क्षमता है और सदैव मानव में वह विद्यमान है। वो लहर सब में है कि हमको परमात्मा को मानव रूप के अंदर में उससे एकरूप होना है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है और ना ही हमने उसको खोजा है, ना ही हम किसी से पूछा है और ना ही हमको वो जानने की जरूरत महसूस हुई है। और इसीलिए हम अज्ञान में है, अज्ञान में घूम रहे। इस सत्यता को, ट्रुथ को मानव में हमेशा ये रहती है, हिडन रहती है, पर मानव जब तक आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर नहीं पहुंच जाता, उसे साक्षात्कार नहीं होता या यह छिपा ही रहता है। इसीलिए जब तक हम इस मार्ग के अंदर में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं होते, आंतरिक प्रवास इनवर्ड जर्नी, तब तक हमारी यह इच्छा जो है, जो हमारी इसमें हिडन है, छुपी हुई है, कौन सी इच्छा कि परमात्मा से एक रूप होना मानव रूप के अंदर में, यह हमको उजागर नहीं होता। यह समझ में नहीं आता बार है कि यह नहीं होता, ट्रुथ का यह छिपा, यह ट्रुथ जो सत्य जो है जो हर आदमी में है वह छिपा ही रहता है। और इसीलिए इस हिडन जो है, छुपा हुआ है, इसका रीज़न क्या है बताते हैं। उसका रीज़न बाबा बोलते हैं यह है हमारा अज्ञान, इग्नोरेंस। हम अज्ञानी हैं क्योंकि हमें माया से मोह ज़्यादा है, परमात्मा से मोह कम है और इसीलिए हम अज्ञानी हैं। जब तक हम माया में हैं हम अज्ञानी हैं। यह सिक्स्थ प्लेन तक यह माया रहती है, सातवें प्लेन में गई कि माया टोटली नष्ट हो जाती है और परमात्मा से मिलन होता है। और इसीलिए यह हमारे बुद्धि के परे है। अगर हम करने भी जाएंगे तो भी हमको किसी ना किसी की जरूरत महसूस होती है। हमको इवन मोक्ष मार्ग में भी जाना है तो भी हमको गुरु चाहिए। मोक्ष मार्ग में जाने के बाद में फिर हमको कोई साधु संत ऋषि मुनि और संत मिल जाए उसकी जरूरत पड़ेगी। आखिरी में हमको परमात्मा की, सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी कि उससे तुमको एक रूप हो गए हो। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि यह तथ्य अटल रहता है कि मनुष्य ईश्वर बनता है और वह ईश्वर बन सकता है। मनुष्य ईश्वर बनता है और ईश्वर बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका अज्ञान चला जाएगा तभी आपको परमात्मा के दर्शन होंगे और आप परमात्मा से एकरूप होंगे। यह मानव रूप परमात्मा की छाया है, मतलब यह हमारा जो टॉप है यह ब्रह्मा की मूल स्थिति है, टॉप नंबर वन। यह हमारा जो फोरहेड है यह है एंट्री टू डिविनिटी।
यह दो आंखों के बीच में हमारे यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं थर्ड आय, बराबर है कि नहीं। और यह जो सात मैंने दिखाया है, सात मूलभूत संस्कार इच्छाएं वासनाएं जो है, ये है हमारी दो आंखें, दो कान, ये नाक और हमारा ये मुंह। मतलब ये सात जो है 1, 2, 3, 4, 5, 7 एक दो तीन, दो पाँच और दो सात, तभी हम यहाँ आते हैं। ये है थर्ड आय। इससे थर्ड आय का मतलब अभी हो गया कि हम लोग पांचवी भूमिका में पहुँच गए। ये डिटेल वर्णन उन्होंने दिया है, पहले मैं संक्षिप्त में बताता हूँ फिर डिटेल पढ़ेंगे उसका। तो पांचवी भूमिका में जब हम जाते हैं तो ये सारे के सारे संस्कार जो है वो नष्ट हो गए और अभी तुम छठवीं और सातवीं में जाना बाकी है। तो उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या है, वो बाबा उसको बताते हैं कि बाबा भी ये कहते हैं कि यह अटल है कि मनुष्य ईश्वर बन सकता है। क्योंकि क्यों बन सकता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर ही है, इसीलिए बन सकता है। और इसका साधा कारण यह है कि नोइंगली और अनोइंगली, मतलब जाने और अनजाने में मनुष्य यह ईश्वर ही है, मनुष्य ईश्वर ही है। वो सिद्ध कर रहे हैं अभी, उनका थ्योरम है, वो थ्योरम बाबा का वो सिद्ध करना में तुले हुए है कि परमात्मा मनुष्य परमात्मा ही है, इसके ऊपर वो सिद्ध कर रहे हैं। और जब तक यह अज्ञान रहेगा तब तक यह मायावी चीज़ों का अनुभव हम लेते रहेंगे, अनेक जन्मों से हम ले रहे हैं और आगे भी हम लोग लेते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। क्यों? कि हम अज्ञान में है। और इसलिए जब तक यह अज्ञान है तब तक मायावी चीज़ों का अनुभव हमको होते रहेगा। ज्ञान आने पर यह अनुभव होता है कि ईश्वर की अखंडनीय एकता का कोई अंत नहीं है। ईश्वर की अखंडनीय एकता का मतलब हम यहाँ पे है परमात्मा में, कि जहाँ पे अनंत ज्ञान अनंत शक्ति। परमात्मा कैसा है, परमात्मा हम लोग प्रार्थना के अंदर में जो परमात्मा का वर्णन किया हुआ है, परवरदिगार प्रार्थना, उसमें दिया है कि व्हाट इज़ गॉड, वो क्या है एक्चुअली, उसको अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि सबको मालूम है। इसीलिए हफीज़ जो है वो क्या कहते हैं, वो बाबा कहते हैं कि अब उसके बाद वो बाबा आए हफीज़ के ऊपर में, हफीज़ क्या कहते हैं, बाबा बोलते प्रेमी और प्रियतम के बीच में जो कोई अवरोध है या कोई प्रतिबंध है, हफीज़ हम लोगों को ये एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में, हम प्रेमी है परमात्मा प्रियतम है, इसके बीच में अगर कोई वेल है पर्दा है तो वो है वो जो प्रेमी और प्रियतम के बीच में जो अवरोध है या प्रतिबंध है उसे अपने आप उठाकर फेंक दो, दूसरे उस वो पर्दे को बाजू में करो तुम। और कहते हैं तुम खुद ही अपने को ढांकने वाला पर्दा हो, तुम खुद ही अपने को ढांकने वाला, अपना मतलब परमात्मा, तुम ही अपने को ढांकने वाला परमात्मा हो। ये बॉडी जो है ना इसको उठा के फेंक दो, इसका शरीर भी अपना नहीं है, ये मन भी अपना नहीं है और इसके अंदर में जो शक्ति है वो भी अपनी नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, नथिंग। यह एक ढांचा है, ये मानव रूप हमने इसलिए लिया है कि हमको मानव रूप के अंदर में कॉन्शियसली परमात्मा से एक रूप होना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है और दूसरा कोई कारण भी नहीं है। और इसीलिए तू अपने पर्दे की घड़ियां खोल, तुझे राम मिलेगा, तुझे ईश्वर प्राप्त होगा। और सही में जो बोला है बराबर है कि ये जो जब ये कुछ अपना अपना कुछ भी नहीं है पर फिर भी युगों युगों से हम कहते हैं कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, मैं चलते ही रहता है और ये मैं कुछ खत्म होते होता नहीं है। यह पर्दा जो वेल जो है अभी आए वेल, अज्ञान से मानव जात इस वेल से अज्ञान से लिपटे हुए है
और इसीलिए हम ईश्वर से अलग है, वे आर सेपरेट ओनली बिकॉज ऑफ दिस वेल। और वेल कौन है? हम खुद ही है। ये हमारा शरीर ही एक पर्दा है, इसको उठाओ और पागल में फेंक दो, तुमको परमात्मा मिलेगा। इसको समझाते हुए फिर उन्होंने ये जो मैंने निकाला है लिखा हुआ है इसका, और इधर में जो है सात इंद्रिय, इसका डिटेल वर्णन जो बाबा ने दिया है वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, मैं बताऊंगा। अभी तो शॉर्टली मैंने बताया उसको, डिटेल जो इसे बाबा ने बताया वैसे हम लोग देखेंगे कर। और इसीलिए वह इतना, और वह पर्दा जो है उसका वर्णन करते हुए, ये पर्दा जो है बाबा बोलते यह इतना सूक्ष्म है कि कितनी भी ऊंचे से ऊंचा सूक्ष्म या स्थूल विचार भी इस पर्दे को छेद नहीं सकता, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। यह पर्दा सात भिन्न रंगों के साथ बना हुआ है। ये पर्दे का वर्णन करते हैं अभी। देखो अभी हम लोग आए मेन पर्दे के ऊपर में, जो वेल जो है, मेन पर्दा कैसा है। तो इस पर्दे का जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है, सात डिजायर्स, सात रंग, सात सेवन डोर्स, सात भूमिकाएं, और उसके बाद में और सभी साथ 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 इसमें आया है। और उसको उन्होंने कैसा ये किया है वो हम डिटेल में अभी अगले इसमें देखेंगे। तो ये जो है ये पर्दा सात भिन्न रंगों से, सात रंगों के सात पर्दे से बना हुआ है। भले पर्दा एक ही है पर उसके अंदर में सात फोल्ड है, जैसे ना अपन घड़ी घाल कर जाना होता है, घड़ी घाल फोल्ड किया हुआ उसको, सेवन फोल्ड्स है। यहाँ कह दिया दी सेवन फोल्ड वेल, पर्दा है पर वो सेवन फोल्डेड है, उसको सात बार उसको घड़ी की हुई है। और यह जो पर्दा जो है उसको और एक्सप्लेन करते टाइम उन्होंने बोला कि सूर्य के अपना रेनबो देखते हैं ना, कैसा देखते हैं इंद्रधनुष, उसके रंग कितने होते हैं? सात रंग होते हैं। तो यह पर्दा सात रंगों के जैसा हुआ है, बना हुआ है। प्रत्येक पर्दे में एक नॉट है, मतलब गांठ बांधी हुई है, और गांठ जो है वो छोड़नी है अपने को। ये गांठ है अपनी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष निंदा, ये गांठी है। इनको खोलना है मतलब इनको नष्ट करना है। ये आसानी से नष्ट होने वाली नहीं है ना, जब तक किसी का सहारा सद्गुरु का कृपा ना हो तब तक ये जाने वाले नहीं है। ये हमारे साथीदार है और इसको हर हमको इससे ज़्यादा प्यार है, इसलिए हम इसको प्यार से रखते हैं अपने पास में। और इसी प्रकार से ये दुनिया सब चल रही है। दूसरी बात, सात रंग है, सात डिज़ायर्स है, ये जो है सात डिज़ायर्स, सात मूलभूत संस्कार, सात डिज़ायर्स है ये। और जो सात मूलभूत संस्कारों से अनुभव की जाती है, ये इसका सब हम अनुभव लेते हैं इसका, बराबर है कि नहीं। और मतलब काम वासना, अब इसमें देख काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष निंदा, ये सब इच्छाएं वासनाएं अपने साथ में है। और इनका संबंध जो है वह अपने इनका संबंध अपने इन सात इंद्रियों के साथ में इसका संबंध है, क्यों कि नीचे का तो कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ नहीं सकता है कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रह्मा की स्थिति है, मूल स्थिति ब्रह्मा जी अगर बोल दे ब्रह्मा की स्थिति। तो जब ये सातों संस्कार नष्ट हो जाते तभी हम लोग ये पांचवी प्लेन पे जाते हैं, फिर छठवीं और सातवीं सद्गुरु की कृपा चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि पहला नॉट जो है, पहली गांठ निकली तो क्या हुआ, दूसरी गांठ समझो निकली तो क्या हुआ, तीसरी चौथी पांचवी, और ऐसे होते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं। दिस इज द सीट ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब यहाँ पे शिवात्मा की स्थिति हो गई है। तो उसके बारे में जो बाबा ने वर्णन किया है वो हम देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।